द्वापर में भी नहीं, त्रेता युग के बाद पहली बार कलयुग में आया था और कहते नौमी तिथि। नौमी क्यों? नौमी तिथि इसलिए कि नौमी कहते पूर्ण तिथि भी है और रिक्ता भी है। पूर्ण तिथि का मतलब जैसे भी आप एक करें दो करें जैसे भी जोड़ेंगे नौ को, अगर पहाड़ा पढ़ें तो नौ का नौ ही जोड़ेंगे, नौ के नौ, नौ दिन 18, नौ दिन 27 करेंगे तो पूरा उसका पूर्णांक नौ ही होगा। दो गुनो तीन गुनो चौ गुनो पंच षष्ठ सात आठ पुनि नौ गुनो नौ के नौ रह जात। तो इसलिए भगवान पूर्ण भी हैं और आते किसके यहाँ, जब मैं था तब हरि नहीं। जब पूरी तरह से व्यक्ति रिक्त हो जाए अभिमान से अहंकार से अपने बल से, तप बल अप बल दाम बल सब खत्म हो जाए तब मेरे प्रभु आते हैं। और ओरछा में जो है, और एक और कहा जाता है संबत 1631, ये कहा जाता है कि रामायण में प्रसंग आता है कि राम जी जब रावण को बार बार मारते थे 20 भुजाएं 10 शीश काटने के लिए, तो मरता नहीं था। तो अंतिम बार जब विभीषण जी ने कहा कि इसके नाभि कुंड में अमृत है इसको सुखाइए, तो उसको सुखाते हैं तब जाकर के और तब जाकर के रावण मरता है। तो यहां कहा जाता है कि संबत 1631 यानी 16 गुणों से पूर्ण भगवान हम समझम नियम सिली मुकनाना, हम कितनी साधना करें तप करें लेकिन हमारा पाप खत्म नहीं होता। पाप तभी खत्म होगा जब मेरे राम जी की कृपा होगी। और इसीलिए जब हमारे भक्त जब लोग गाते हैं, ये कृपा का स्थान है ओरछा, यहां पर 1631 31वां बाण जो अमृत कुंड के लिए प्रभु ने नष्ट किया था रावण का, तो 31वां जो है हमारे दुष्कर्मों के कर्त सुकृत न पाप सिराही रक्त बीज जीव बाढ़त जाएंगे। पूर्ण कर्म करने के बाद भी जब हमारे पाप नहीं समाप्त होते हैं तब प्रभु कृपा के रूप में 31वां बाण जब मारते हैं, जैसे रावण के अमृत कुंड सुखाए थे। रावण दुर्गुणों का प्रति, मोह का प्रति, मोह दसमौली, तब प्रभु तब वो मृत्यु होती थी। ये हमारे ओरछाधीश को ये माना जाता है कि हम भक्तों को कृपा करते हैं, राम कृपा ना सही सब रोगा, तो हमारे मानस रोग से लेकर के भाव रोग सब ठीक हो जाते हैं। और तब फिर भक्त को जब एहसास होता है फिर गाने लगता है भक्त, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा। मेरा नाम है
कृपा का एहसास नहीं था, अभिमान में थे, भगवान को श्राप दे रहे थे। और जब प्रभु ने माया हरण किया वैसे हाहाकार करके भगवान के निवेदन करने लगे कि बहुत मैंने क्या कर दिया। और भक्तगण को जब कहते हैं कि अगर राम जी के शरण में रहें तो क्या बोलते हैं, पतवार के बिराही मेरी नाव चल रही है, सहारा न देते कितनी बार मरते मरते बचे, कितनी बार गलती करते बचे, कितनी बार डूबते बचे। पिछले दिनों ओरछा में एक वीडियो वायरल हुआ, लोग बना रहे थे वीडियो, बच्चे समेत पूरी कार नाव में डूबी और सबके सब जाको राको साई, पूरे के पूरे परिवार प्रभु की कृपा ने उबार लिया, बच गए, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे हर जगर जगर पर तुमने दिया सहारा, मुझे हर जगर जगर पर तुमने दिया सहारा, मेरी जिंदगी